हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज वो दिन फाइनली आ ही गया है जब हम हमारी नई गाड़ी को लेने जा रहे हैं। नई तो क्या मतलब, टेम्प्ररी नहीं बोल सकते हैं। और अगर आप हमारी जर्नी को फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों से हम गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं, और उसमें से एक गाड़ी थी जो थी लिंक एंड कंपनी 01, जिसकी हमने टेस्ट ड्राइव ली थी और हमें वो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ ऊपर उसे लिंक कर दूंगा। अभी मैं ऐसे ऐसे भी नहीं कर सकता क्योंकि अमिता ने मुझे ये इतना भारी बैग पकड़ा रखा है ना, उस बैग में सामान सारा इन्हीं का है। अरे सामान तो दोनों का होता है, आपको भी पता ही है, बट हाँ पति होने की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। वो बैग पकड़ के और काफी ज्यादा भारी तो है। कंप्लेन ना करें, बिना कंप्लेन करे जिम्मेदारियां निभाएं। अरे हाँ ठीक है, निभा रहा हूँ। सो बैक टू द टॉपिक, तो आज हमारी वो लिंकन कंपनी की गाड़ी की डिलीवरी है, सो वो हम लेने जा रहे हैं। भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है आज तो, क्योंकि गाड़ी ना मेरे ना दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। मैं कभी भी नई गाड़ी लेता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं उसे, उतावला भी हो जाता हूँ। नहीं, उतावला इज नॉट द राइट वर्ड यार, मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ यार, क्योंकि मुझे पता नहीं, मेरे को गाड़ी से कुछ अलग ही प्रेम है। जब पहली गाड़ी खरीदी थी लाइफ की, तब भी मतलब, और आई थिंक मेरा पहला प्यार तो आज भी वही है, मेरी पहली गाड़ी है। अमिता, हाँ हमारा नंबर तो आता ही नहीं है, हम तो लिस्ट में कितने नीचे हैं बता दो। नहीं मतलब पहला प्यार तो मेरा पहली गाड़ी है। सो ये जो गाड़ी है ये हम खरीद नहीं रहे हैं, ये मोर ऑफ अ लीजिंग मॉडल है। सो इसका पर मंथ चार्ज है और आप कितने भी महीने तक इसको रख सकते हैं, एंड देन यू कैन रिटर्न इट बैक। सो आई थिंक अभी कुछ महीने तो ये वाली गाड़ी यूज़ करेंगे, देखेंगे हमें कैसी लग रही है। ओ भाई एकदम खतरनाक भाग कर आए, क्योंकि ऐसा लगा कि ट्रेन छूट जाएगी। प्लेटफॉर्म पे आके पता चला 10 मिनट लेट है गाड़ी। हम गाड़ी तू चला के लाएगी क्या घर पे? तू लाएगी? लाइसेंस लेके आई है अपना? हाँ लाई है। हाँ तो आज मतलब शुभारंभ तू करेगी, श्री गणेश। यस। तो घर आज मतलब वहाँ से डिलीवरी पॉइंट से फिर उसके बाद मंदिर और मंदिर से फिर घर। यस। तू चलाएगी ना? यस। पक्का? यस। देख रिकॉर्डिंग पे बोल रही है, वीडियो पे, बाद में मुकर मत जाना। क्या है, व्हील के पीछे बैठ के एक और रिकॉर्डिंग कर लेना। शशांक क्या खा रहे हो आप? मैं दही खा रहा हूँ। दही क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी कहती है कि कुछ भी नया काम करने जाओ, अच्छा काम करने जाओ जीवन में कुछ, तो घर से दही और गुड़ खा के निकलना चाहिए। गुड़ मेरे को उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसके लिए मैं सादा दही में फ्लेवर्ड दही मिला के खा रहा हूँ। मम्मी देखो मैं कितना आदरणीय बेटा हूँ आपका, दही खा के घर से निकल रहा हूँ। सही मौका मिलता है ना, ये लड़की सो जाती है, इसका एजेंडा लाइफ में एकदम क्लियर है, जहाँ मौका मिले जैसे मिले लुढ़क लो। हमारा अपॉइंटमेंट 3:30 बजे का है, कार पिकअप का, अभी हो रही है 3:25 और अराउंड 10 मिनट की वॉक है, तो थोड़ा 5 मिनट लेट चल रहे हैं, बट होपफुली पहुंच जाएंगे। अमिता सही रास्ते पे जा रहे हैं ना? ओके। सो बेसिकली ये जो गाड़ी है लिंकन कंपनी 01, इसकी बुकिंग सिस्टम था, सो हमने फेब्रवरी आई थिंक मिड फेब या थर्ड वीक ऑफ फेब में बुक करा था, जिसका हमें अब जाकर डिलीवरी मिल रही है, विच इज़ ऑलमोस्ट व्हाट 3 मंथ्स, 3 महीने में हमें डिलीवरी मिल रही है। एंड ब्लू और ब्लैक दो कलर थे, हमने ब्लू सेलेक्ट किया क्योंकि मुझे ब्लू ज़्यादा पसंद है। अमिता तेरे को ब्लू या ब्लैक में ज़्यादा पसंद क्या है? ब्लैक। अमिता को ब्लैक ज़्यादा पसंद है, तो ठीक है, अब ड्राइवर की थोड़ी तो चलनी चाहिए ना, जो गाड़ी ज़्यादा चलाएगा उसकी। नहीं तो पता चल रहा है ना कि ये मुझे चलाने देने वाले नहीं है, कलर तो अपनी मर्जी का लिया ही है। अरे तो गाड़ी तो एक ही जैसी चलेगी ना, कलर क्या करेगा उसमें, पसंद भी कोई चीज होती है। ओह माय गॉड, फाइनली पहुंच गए हैं लिंकन कंपनी के काइंड ऑफ गोडाउन कह सकते हो आप, या डिलीवरी पॉइंट पे। कार की डिलीवरी हो गई है, हमें पता चल गया हमारी गाड़ी कौन सी है, और अब मेरी फर्स्ट एंट्री टू दैट कार, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अम्मो गाड़ी के अंदर बैठ के स्टाइल मत मार, यहाँ धूप नहीं आ रही है, कोई चश्मा लगा के बैठ। मैं ना जगह नहीं देखती हूँ स्टाइल मारने के लिए, आई एम ऑलवेज इन स्टाइल, ऑलवेज इन स्टाइल। यस। सो गाइस, गाड़ी की डिलीवरी पूरी हो चुकी है, ऑलमोस्ट आधे पौन घंटे तक फॉर्मेलिटीज चली, काफी सारी चीजें थी जो हमें समझनी थी, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था। एक्चुअली फॉर्मेलिटीज कम थी, हम मोर गाड़ी समझ रहे थे कि क्या क्या छोटे छोटे निक्स एंड ट्रिक्स हैं जो पता होने चाहिए एटलीस्ट बिगनिंग में,
तो उसमें टाइम लगा, फॉर्मेलिटीज तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था। करेक्ट। सो वो काफी सिंपल था और पूरा ऑनलाइन था, तो ऐसा नहीं कि कोई पेपर वर्क है बहुत ज्यादा। बट द गुड थिंग इज वी आर रेडी टू टेक द कार आउटसाइड और बहुत सारी नई नई इंटरेस्टिंग फीचर्स के बारे में पता चला है गाड़ी के, जो कि मैं बाद में बताऊंगा। बट अभी अमिता, शैल वी हेड टू मंदिर फर्स्ट? यस। सो अभी हम जाते हैं मंदिर, अगर पंडित जी मिल गए तो वहां पे थोड़ी सी पूजा भी करा लेंगे गाड़ी की, प्रसाद चढ़ा देंगे, बिकॉज ऑल दो हमने ये गाड़ी खरीदी नहीं है बट स्टिल आवर कार नाउ फॉर एटलीस्ट अ फ्यू मंथ्स या मे बी उससे ज्यादा। सो लेट्स हेड टू मंदिर। हरि ओम, ओम हस्तम प्रसन्न, हाथ धो लीजिए साइड में। हरि ओम, ओम केशवाय, माधवाय, गोपीनाय, गोविंदाय, नारायण अच्युताय, पीन पीना है आपको, हाथ धो लीजिए। हरि ओम हस्तम प्रक्षालम केशाय नमः। हरि ओम महामद परमात्मने शिशु द्वारा कल्पे हे वेब सुदन मंत्रे हे अष्टाभिस्ती तमे कली जुगे। नाम बोलिए। शशांक। शशांक खान पूजनम चद्य दिने च सुबह दिने च अहम च करिष्ये। हे जल छोड़ दीजिए। हे श्री अम्मा एन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो हलतेन त्वां प्रतिबन्धनामि। माचल माचल वर्तेन दीक्षा आपनोति दीक्षा दक्षिणा श्रद्धायां सत्यायां सत्यमाप्यते। भगवान विष्णु मंगलम गर्ज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो प्राणश्च मुखादग्निरजायत महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं हरिप्रियदयनिधि नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं। अम्मू यार वो लड्डू दे दे जो पंडित जी ने दो लड्डू दिए थे, थोड़ा सा प्रसाद खिला दे। दिया था अम्मू मेरे को वो थोड़ा सा दिया था, तूने जस्ट टेस्ट करने के लिए। तूने बोला था कि तुम्हें थोड़ा सा खाना है, तो बाकी मैं गप कर गई। तू डेढ़ लड्डू चिपका गई नई गाड़ी की खुशी में। यार गजब कर रही अम्मू यार। पूजा का कार्यक्रम हो चुका है अच्छे से, पंडित जी ने एकदम सब अच्छे से करा दिया और प्रसाद भी, जैसा कि अभी आपने देखा इसने डेढ़ लड्डू गप कर गई है, दो लड्डू मिले थे प्रसाद में। मोतीचूर के लड्डू थे यार। हाँ वैसे मोतीचूर के लड्डू थे और जैसा कि आप देख सकते हैं शानदार सनरूफ का आनंद ऑलरेडी लिया जा रहा है। तो अमिता कहाँ चलना है अब? चलो यार कहीं तफरी मार के आते। यहाँ पे जो आपको पार्किंग दिख रही है ना, अमिता मुझे चैलेंज दे रही है कि ये गाड़ी आप इस पार्किंग में लगा के बताओ। वैसे मेरे हिसाब से तो यार काफी जगह है, बट हाँ अभी इसमें चैलेंज किया था थोड़ी सी मेरे, मैं भी सोच रहा हूँ। चैलेंज ये है कि पार्किंग में लग तो जाएगी मुझे पता है, लेकिन ऐसे नहीं कि 10 बार रिवर्स फ्रंट रिवर्स ड्राइव यार, अब वो एक या दो बारी में लग जाए तो बात है। देखो यार एक तो नई गाड़ी है, ऊपर से ये बड़ी भी है, लंबी भी है, चौड़ी भी है, और मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है इतनी लंबी और चौड़ी गाड़ी चलाने का पहले, तो हो सकता है मैं 10 बार में लगाऊं। ये भी चैलेंज वही दिया है। चल तू कितनी बार? दो, मतलब दो बार आगे दो बार पीछे। हाँ। दो बार आगे और दो बार पीछे में मुझे फिट करनी है। यस ठीक है, चल चैलेंज एक्सेप्टेड। हाँ तो गाइस शुरू कर रहे हैं हम पार्किंग का सिलसिला, वो रही पार्किंग, ये गए एक बार पीछे। अरे यार लग रहा है मैं हार जाऊंगी। आए एक बार आगे एंड आई थिंक मैं हार गई हूँ। यस हाँ हाथ से ये बार कट प्लीज। ये वेरी गुड, नई गाड़ी का केक इवान ने काटा। इवान कौन सा फ्रूट खाएगा? विच फ्रूट इवान? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी? अरे भग्या लड़के तू केक खाने से मतलब है नहीं है, केक खाएगा। अरे केक खा लेना, आजा। मैं नहीं 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 गोदी नहीं, नो गोदी। हाँ बढ़िया। आज ये जो हमारी लाल परी है इसकी विदाई का दिन है, मैं काफी सैड हूँ आज, मेरी लाल परी जा रही है। तो अभी इसकी थोड़ी बहुत सफाई कर देते हैं, सामान निकाल लेते हैं, क्योंकि करीब 2-3 घंटे में इसको पिकअप करने के लिए लोग आने वाले। बाय बाय लाल परी। ये गाड़ी साफ करने के टाइम पे पता चलता है कि घर की आधी केबल जो है वो गाड़ी में ही रखी है, और घर में पूरा दिन हाहाकार मचा रहता है, कहाँ है। गाड़ी के अंदर से ये पॉली बैग का रोल निकला है, मुझे सीरियसली नहीं पता कि गाड़ी के अंदर ये क्या कर रहा था, क्या पर्पस है इसका गाड़ी के अंदर होने का। ये एक एम्स की एक नोटबुक निकली है गाड़ी में से, देख रहे हो भाई कितना सीरियस है लाइफ में, मतलब गाड़ी में भी नोट्स बनाएगा, पढ़ाई करेगा अपने प्रोफेशनल करियर के लिए। आधा थैला भर के सामान निकला है गाड़ी के अंदर से, मुझे लग रहा है बहुत सारा इसमें से काम करनी है, बट वो
कार्यवाही बाद में होगी। सफाई वफाई करके और सारा सामान खाली करके गाड़ी अब हो गई एकदम रेडी। मैंने सोचा एक आखिरी बार लाल परी को एक छोटी सी ड्राइव पे लेके चला जाऊं। तो एक लंबी ड्राइव के बाद घर वापस आ चुके हैं और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। और हाँ, ये जो कार है लिंकन कंपनी 01, इनका अभी जो मॉडल है इसमें ये 500 यूरोस पर मंथ के चार्जेस हैं इनके, एंड इनकी कोई मंथ की लिमिटेशन नहीं है। आप एक महीना दो महीना कितना भी चला सकते हो एंड देन यू कैन रिटर्न इट। अमिता, एनी अदर इन्फॉर्मेशन जो हमें अभी शेयर करनी है? आई थिंक लिमिटेशन बस उसकी है कि कितने किलोमीटर आप चला सकते हो, बट वो भी आपके एड ऑन होते जाते हैं कि हर महीने, लाइक अगर आपने एक महीने में कम यूटिलाइज किए हैं तो जो रिमेनिंग किलोमीटर्स हैं वो नेक्स्ट पे ऐड हो जाते हैं। और बेस्ट बात ये है कि जब तक आपको यूज करनी करो, सो देयर इज नो कॉन्ट्रैक्चुअल बाउंडेशन कि आपको दो महीने दो साल की ही लीज लेनी है, आप दो महीने यूज करो और रिटर्न कर दो। करेक्ट। एंड आई थिंक जो मंथली किलोमीटर्स हैं वो 1250 हैं, तो अगर आपने वो पहले महीने यूज नहीं करे तो ऑब्वियसली वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे अगले महीने। साल का इनका 15,000 किलोमीटर का टारगेट है, अगर आपने उससे एक्सीड किया देन दे चार्ज अ मिनिमम अमाउंट पर किलोमीटर, बट आई थिंक दैट्स नॉट अ लॉट। एंड उसके अलावा ये गाड़ी को हम जब और चलाएंगे तो हमारा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे, एंड बहुत सारे इसमें कूल फीचर्स हैं, तो मे बी किसी और वीडियो में उसके बारे में भी बात करेंगे। बट आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक छोड़ दीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या आपको लिंकन कंपनी की ये गाड़ी अच्छी लगी। एंड अगर आप किसी के साथ ये गाड़ी शेयर करना चाहते हैं तो हमारा वीडियो शेयर कर सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, शुभ रात्रि।